रावण श्री राम जी से युद्ध करने के लिए गया। प्रथम दिवस श्री राम जी ने सारे अस्त्र समाप्त कर दिए, रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारथी को मार दिया। रावण ने समझ लिया कि आज अब मुझे भी मारा जाना है, श्री राम बचा दे तो बच जाऊं, नहीं तो बचना पड़ा बस। श्री राम जी ने कहा, रावण जाओ आज विश्राम करो, कल स्वस्थ होकर के आना। श्री राम कभी भी निशस्त्रों को नहीं मारता है, जाओ विश्राम करो। रावण आया पर रात भर रोता रहा। मंदोदरी ने पूछा, प्राणनाथ क्या हो गया? आज पहली बार मैंने आपके नेत्रों में आंसू देखे हैं। रावण दीदी थे, रावण दूसरे को रुलाने वाला रावण कहलाता है, आज वो रावण स्वयं रो रहा है। बात क्या है, क्यों रो रहे प्राणनाथ? कहा, देवी कुछ नहीं, क्या श्री राम के बाणों से आपको ज्यादा चोट लग गई, पीड़ा हो रही है? रावण ने कहा, नहीं, श्री राम के बाणों की चोट का कष्ट मुझे नहीं है, श्री राम के वचनों का, श्री राम के स्वभाव के वचन, स्वभाव से निकले हुए वचनों का कष्ट। राम ने मुझे स्वभाव से मार दिया। देवी, श्री राम का इतना प्यारा स्वभाव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।